देवास जिले के खाते गांव की आदर्श कृषि उपज मंडी कहलाने वाली मंडी की हालत बद से बदतर होती जा रही है। इस मंडी में हजारों गांवों से किसान अपनी उपज बेचने आता है, लेकिन कुछ चोर व्यापारियों की चपेट में आकर भोले भाले किसानों को लूट जाते हैं। ऐसे व्यापारियों का मंडी अधिकारी और कर्मचारियों का भी पूरा सपोर्ट मिलता है। ऐसा ही एक ताज़ा मामला सामने आया है। कृषि उपज मंडी में किसान अपनी उपज बेचने आया, जहां नियम अनुसार उपज की नीलामी हुई, जिसे फर्म सिद्धि विनायक के व्यापारी ने खरीदी। जब उपज तोलने का टाइम आया तो पता चला व्यापारी पहले से ही किसानों की उपज की चोरी करवा रहा है, क्योंकि व्यापारी की फर्म पर लगा तोल काटा गड्ढे में रखा था। वैसे किसान अपनी उपज घर से तोल कर लाया था, पर व्यापारी के यहाँ तुलवाने पर प्रति क्विंटल पर 10 किलो का अंतर आ रहा था। किसान ने और साथियों को तुरंत एकत्रित करवाए और कांटे को गड्ढे से बाहर रखकर तुलवाया तो पूरी उपज निकली। यह जानकारी किसान ने मीडिया और जिम्मेदार अधिकारियों को दी, तब जाकर मंडी अधिकारी कर्मचारी मौका मुआयना कर पंचनामा बनाने पहुँचे। खाते गांव SDM एवं भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष को भी मामले की भनक लगते ही जल्द कार्यवाही करने की बात कही। अब देखने वाली बात यह होगी कि ऐसे भ्रष्ट व्यापारियों पर कार्यवाही होती है या मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। खाते गांव से सादिक खान की रिपोर्ट। कैसी उपज मंडी में जो किसानों की उपज की चोरी हो रही है, इस संबंध में क्या कार्रवाई आपके द्वारा की जाएगी और क्या इसकी जानकारी आपके पास? कल किसी पत्रकार बंधु का ही फोन आया था मेरे पास, तो मैंने मंडी के कर्मचारियों को सेक्रेटरी को बताया हुआ है, उसमें शायद उन्होंने कुछ पंचनामा बनाया है। तो जैसी रिपोर्ट आती है, अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। जो व्यापारी द्वारा किसान के माल की चोरी की गई थी, उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये प्रतिदिन की घटना होती है यहाँ, और आज भी एक घटना हुई है। चार कुंटल चने पे, एक कुंटल चने पे 10 किलो मारे गए हैं, ये सूचना मुझे भी मिली है। और इस प्रकार की मतलब कहने का, और भी आगे भी हमने कार्रवाई भी करवाई है, और भी पकड़े हैं। इसके बाद भी ये लोग प्रतिदिन कोई भी कोई कांटे के ऊपर, कोई न कोई फर्म के ऊपर इस प्रकार की वारदातें होती रहती हैं। क्या ऐसे व्यापारियों पे कार्रवाई होना चाहिए? होना चाहिए। हमने अभी आगे अभी लाइसेंस निरस्त करवाए खड़े रहते, और यहाँ कृषि उपज मंडी में सचिव नहीं होने के कारण बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही है किसानों को। क्या नाम लिखते हैं? मैं ओम प्रकाश पटेल लिखता हूँ, भारतीय किसान यूनियन जिला। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।